ट्रिग्नोमेट्री आईजीएसओ में ये भी एक टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 7 में है, जो मॉड्यूल्स आपको दिए गए हैं उसमें सबसे पहले कि एंगल की डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, एंगल देखेंगे, एन एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन, एन एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे। जैसे कि एक रे ये है OA, इसको रोटेट किया हमने, तो ये कितना रोटेट किया इसका मेजरमेंट, इसी को एंगल कहते हैं। रोटेशन का मेजरमेंट जो है उसका अमाउंट, मान लीजिए OA को रोटेट किया, OB आ गया। अब यही रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन एंगल विल बी टेकन एज पॉजिटिव, तो एंगल पॉजिटिव होता है। और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर होगा, तो एंगल नेगेटिव होगा। जैसे कि OA, OB, मान लीजिए रोटेशन में क्लॉकवाइज में करूं, यहां एंटी क्लॉकवाइज में किया था, ये पॉजिटिव, तो ये एंगल इधर अगर कोई मेजरमेंट है अल्फा, तो हम क्या कहेंगे, एंगल नेगेटिव है। नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नेक्स्ट पॉइंट अब इसमें हम पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल को मेजर करने के सिस्टम्स, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट measurement of angles। जैसे लेंथ को मेजरमेंट करने का क्या सिस्टम, अभी हम पढ़ते हैं मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, इसमें पढ़ते हैं, ठीक है, छोटी यूनिट मिलीमीटर सेंटीमीटर इस तरह की होती हैं, थोड़ी बड़ी ठीक ठीक है एवरेज मीटर कह सकते हैं, बड़ी यूनिट किलोमीटर से। और पहले कैसे मेजर करते थे, फुट में मेजरमेंट होता था, ठीक है, उससे भी पहले दो हाथ लंबा है इस तरह से मेजरमेंट होता था। तो ऐसी एंगल का मेजरमेंट के लिए क्या क्या सिस्टम है, तो कई सिस्टम्स थे पहले, मेनली अभी दो सिस्टम चलते हैं, डिग्री और रेडियन। पहले की बात करते हैं कि स्टार्टिंग में कैसे डेवलपमेंट हुआ इसका, तो फर्स्ट सिस्टम का नाम है सेक्साजेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम, हाँ बोलो बेटा, हमें ये सारी थ्योरी नोट करनी होती है क्या? हाँ नोट करिए, ये नोट करनी होती है आपको, इसको नोट करें जो भी बताया जा रहा है, इसको आप साथ के साथ नोट करते जाएं। क्योंकि बाद में रिवीजन के समय फिर ये काम आएगा आपके, डिग्री सिस्टम भी से कहते हैं हम लोग। हेक्साडेसिमल सिस्टम का ही दूसरा क्या नाम है, डिग्री सिस्टम, ठीक है, और ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश लोगों ने इसे दिया था, ये भी कह सकते हैं। तो
कैसे स्टार्ट हुआ मेजरमेंट ऑफ सिस्टम ब्रिटिश? देखिए, नेचर में एंगल्स को देखा गया तो 90 डिग्री के एंगल्स हमें आसानी से मिल रहे थे। जैसे आप जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं उस रूम की वॉल ही देखिए, वॉल जो है ठीक है, और रूफ के साथ फ्लोर के साथ कितना एंगल बना रहे, 90 राइट एंगल बना रहे, ठीक है ना। तो क्या किया गया इस सिस्टम में, राइट एंगल वाले एंगल मेजर करने हैं कि ये एक राइट एंगल है, दो राइट एंगल है, ठीक है, लेकिन अगर उससे छोटे एंगल मेजर करने हैं तो हमने इस राइट एंगल को डिवाइड किया इक्वली। मेजरमेंट करने के लिए छोटे एंगल्स को क्या किया गया, इस राइट एंगल को डिवाइड किया गया इक्वली 90 पार्ट्स में, एंड ईच पार्ट को कहा गया 1 डिग्री। तो ये डिग्री की डेफिनेशन आई इससे, लिखेंगे दिस, अ राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू, अ राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। And each part is called 1 degree. Therefore, one right angle कितना हो गया? One right angle is equal to, एक right angle बराबर 90 parts हैं, हर एक part 1 degree है, तो total बन गया 90 degree। फर्दर और छोटे एंगल मेजर करने के लिए, मान लीजिए एक एंगल 30 डिग्री और 31 डिग्री के बीच में आ रहा है, और डिग्री के लिए सिंबल है, देखिए एक राइट एंगल बराबर है 90 डिग्री, तो फर्दर इन इस डिग्री को और छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया, 1 डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट, और हर एक पार्ट को क्या कहा गया, 1 मिनट, और इसका सिंबल क्या है, 1, यहां डैश लिखा गया 1 मिनट। तो 1 डिग्री बराबर क्या हो गया, 60 मिनट, और इसके लिए सिंबल है डैश। ये मिनट, आवर, सेकेंड्स, ये टाइम को मेजरमेंट करने वाले जो मिनट सेकेंड है उससे डिफरेंट है। यहां पे हम एंगल का मेजरमेंट कर रहे हैं, टाइम का मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन नेम वही है, मिनट और अगला नेम सेकेंड भी वही है, लेकिन डिग्री अलग है, वहां आवर वर्ड नहीं है, ध्यान रखें इसका। और फर्दर 1 मिनट इज डिवाइडेड इंटू 60 इक्वल पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स, एंड ईच पार्ट इज अ सेकेंड, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। जैसे आप 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर बढ़ते हो, फिर 1 सेंटीमीटर को फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो 10 मिलीमीटर हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पर है, सेकेंड के लिए सिंबल है डबल डैश का, तो वो भी लिख लेंगे, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, मतलब 1 मिनट ऐसे लिखें बराबर 60 सेकेंड्स के लिए डबल डैश, मिनट के लिए सिंगल डैश है और सेकेंड के लिए डबल डैश।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। नेक्स्ट सिस्टम देखेंगे, एंगल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से। रचित कौन सा बच्चा है? नेक्स्ट सिस्टम देखेंगे, सेकेंड सेंटीसिमल सिस्टम उसका नाम है, देखिए सेकेंड सिस्टम है मेजरिंग एंगल के सिस्टम हम लोग देख रहे हैं, सेकेंड नेम है सेंटीसिमल सिस्टम और आल्सो नोन एज ग्रेड सिस्टम। और फ्रेंच सिस्टम, ये फ्रेंच पीपल ने दिया था इसलिए नेम है फ्रेंच सिस्टम, सेंटीसिमल सिस्टम और ग्रेड सिस्टम। इसमें जो मेजरमेंट होता है ग्रेड के टर्म में होता है, क्या है वो जनरली ये क्वेश्चंस में नहीं मिलता है, आगे आप देखेंगे तो बात केवल डिग्री की होती है और आगे एक और सिस्टम है रेडियन उसकी होती है, फिर भी यहाँ पे है तो हम लोग देखते हैं क्या है इसका मतलब। फिर से भाई नेचर में राइट एंगल ही देखे गए लेकिन यहाँ पर डिवाइड किया इन्होंने फ्रेंच पीपल ने इस राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में, 100 पार्ट्स में डिवाइड किया एंड ईच पार्ट इज नोन एज वन ग्रेड। लिखेंगे अ राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू हंड्रेड इक्वल पार्ट्स, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड वन ग्रेड, और हर एक पार्ट को एक ग्रेड कहा गया, मतलब वन राइट एंगल बराबर क्या होगा 100 ग्रेड, ऐसे ले सकते हैं 100 सुपर स्क्रिप्ट में जी छोटा सा 100 ग्रेड। फर्दर वन ग्रेड इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स and each part is called 1 minute, और हर एक पार्ट को क्या कहा गया 1 मिनट कहा गया। सेम सिंबल है जो कि डिग्री सिस्टम में मिनट आया था लेकिन ये फ्रेंच सिस्टम था, सेंटीसिमल सिस्टम वो अलग सिस्टम है, तो यहाँ का मिनट वहां का मिनट अलग है, ये ध्यान रखें। 1 grade is equal to 100 मिनट है, सिंबल भी सेम है 100 डैश, डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्रेड को सुपर स्क्रिप्ट में जी लिखते हैं। यहां 100 पार्ट में डिवाइड किया गया, फर्दर 1 मिनट इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स एंड 1 मिनट बराबर क्या है 100 सेकेंड्स, सिंबल वही है 100 डबल डैश। सर 1 मिनट तो 60 सेकंड्स होता है। हाँ होते हैं ना, तो वही तो बताया मैंने तुमको कि ये मिनट सेकंड टाइम नहीं है, ये क्या है एंगल मेजरमेंट और ये अलग अलग सिस्टम्स हैं, तो जिसने जैसा बनाया वो हम पढ़ रहे हैं। सर तो जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में यूज होते हैं तो वो ग्रेड सिस्टम यूज होता है या फिर जो पहले वाला सिस्टम था?
डिग्री सिस्टम। जैसे पहले क्या यूज होता था लेंथ को मेजरमेंट करने का, फुट होता था, होता था ठीक है, और उससे भी पहले ठीक है, हाँ तो किसी भी अपने हाथ में आपके पेन है, पेन से नाप करके आप अपने लैपटॉप के वो लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो कि ये 3 पेन लंबा है। लेकिन ये कोई मेजरमेंट का सिस्टम तो है नहीं, सबके पेन अलग अलग हैं। तो इस तरह से बाद में जो सिस्टम्स बनाए गए तो ऐसे अलग अलग सिस्टम्स बने। अभी कौन सा सिस्टम चलता है वो मैंने आपको पहले ही बताया, आप सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं, तो क्या बताया, डिग्री सिस्टम चलता है और आगे अभी पढ़ेंगे रेडियन सिस्टम, ठीक है, ग्रेड सिस्टम। अब नहीं आते हैं क्वेश्चंस उस पर, हो सकता है अगर आप फ्रांस जाएं तो हो सकता है वहां चलता हो, यहां तो नहीं चलता, ठीक। यस सर। थर्ड, और अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें सेम सिस्टम हर जगह जो चलता हो, तो लेंथ को मेजर करने का क्या सिस्टम है, मीटर। मीटर में सभी जगह होता है मेजरमेंट, तो वैसे ही एंगल को मेजरमेंट करने का सब जगह, ठीक है, जैसे आईएस सिस्टम भी कहते हैं वो है, एसआई सिस्टम कहते हैं उसे, वो क्या है, सर्कुलर सिस्टम, जिसमें हम रेडियन में मेजर करते हैं, रेडियन सिस्टम। कहीं अगर स्पेसिफाई नहीं है तो हम उस सिस्टम को रेडियन सिस्टम लेकर के चलते हैं, ठीक है। अभी 9th 10th के पॉइंट से देखें तो उसमें डिग्री सिस्टम ही आता है, लेकिन क्योंकि अब हम लोग उसमें थोड़ा डेप्थ देख रहे हैं तो आपको बता रहे हैं ये रेडियन सिस्टम की बात। सर रेडियन कहाँ का है? हाँ रेडियन पूरे नहीं, अब एसआई सिस्टम है, मतलब कंप्लीट पूरे वर्ल्ड के लिए है, ठीक है, बाद में डेवलप होकर के ये अब सिस्टम ये चलता है रेडियन सिस्टम मेजर करने का। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन, जैसे हमने इससे पहले पढ़ी थी 1 डिग्री की, 1 ग्रेड की डेफिनेशन, वैसे यहाँ पर 1 रेडियन की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। पहले इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है 1 के सुपर स्क्रिप्ट में सी लिखते हैं छोटा सा, ये होता है 1 रेडियन। देखिए 1 रेडियन इज द एंगल, इज द एंगल सबटेंडेड बाई एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस, इक्वल टू रेडियस एट द सेंटर ऑफ, एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। कोई भी सर्कल हो, सभी सर्कल के लिए एप्लीकेबल है, सेंटर पर आप यहां कोई भी आर्क ले लें जिसकी लेंथ किसके बराबर होनी चाहिए, लेंथ किसके इक्वल होनी चाहिए, रेडियस के इक्वल होनी चाहिए। आर्क की लेंथ सर्कल की रेडियस के अगर बराबर है तो ये जो सेंटर पे एंगल होता है उसके मेजरमेंट को क्या कहते हैं, 1 रेडियन। यह है सर्कुलर सिस्टम, एंगल को मेजर करने का एसआई सिस्टम कह सकते हैं कि यूनिट जो है यह है रेडियन। अच्छा आर लेंथ की है, आर्क जो होती है आर लेंथ है आर्क की, तो एंगल जो बनता है सेंटर पे 1 रेडियन बनता है,
टू पाई आर लेंथ हो जाए तो एंगल कितना बनेगा? अच्छा वन लेंथ हो तो क्या बनेगा? वन बाई आर, आर लेंथ है तो टू पाई आर मतलब पूरा सर्कमफेरेंस, टू पाई आर अपान आर दैट इज टू पाई रेडियन. मतलब कंप्लीट सर्कमफेरेंस कितना एंगल बनाएगा? टू पाई रेडियन. और ये कंप्लीट एंगल होता कितना है डिग्री में? 360 डिग्री. देयरफॉर टू पाई विल बी इक्वल टू 360 डिग्री. तो पाई बराबर कितना होगा? 180 डिग्री. पाई रेडियन एंगल की बात कर रहे हैं. और एंगल में अगर कहीं स्पेसिफाई नहीं है, डिग्री रेडियन ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम उसे रेडियन समझते हैं. आगे की क्लासेस में नाइन्थ टेंथ में डिग्री ही है क्योंकि रेडियन वहां दिया नहीं रहता है, लेकिन आगे क्लासेस में अगर नहीं स्पेसिफाइड है तो हम क्या करते हैं, ये रेडियन है. टू पाई की वैल्यू 360 कैसे है? ये बताया ना अभी, टू पाई रेडियन है. ये कंप्लीट सर्कमफेरेंस यहाँ एंगल कितना बनाएगा बताओ? 60 डिग्री. ऐसे बना लो, फोर राइट एंगल बनाएंगे, 90 90 180 180, 360 बनेगा कंप्लीट एंगल. सर्कमफेरेंस से कंप्लीट एंगल सेंटर पे कितना बन जाएगा? 360 डिग्री बनेगा क्या? Yes, sir. So, ये वाला पॉइंट है जो आर की लेंथ वाला पॉइंट, ये दोबारा समझा दो. आर लेंथ, आर देखो, आर लेंथ है आर्क की, रेडियस के अगर बराबर है लेंथ तो सेंटर पे जो एंगल होता है वो वन रेडियन होता है. ये डेफिनेशन है, ये हमें याद करना है, ठीक है? ये डेफिनेशन है रेडियन की. उसके बाद वाला पार्ट हमें समझना है. आर लेंथ, आर से एंगल बन रहा है वन रेडियन, तो वन लेंथ हो जाएगी तो कितने बनेगा एंगल? वन बाई आर. टू पाई आर लेंथ हो जाएगी तो क्या होगा? इसमें टू पाई आर मल्टीप्लाई करोगे तो वन बाई आर इंटू टू पाई आर, तो आर आर कैंसिल कितना आ गया? टू पाई रेडियन. तो मतलब कंप्लीट सर्कमफेरेंस से जो एंगल बनता है वो होता है टू पाई रेडियन. और कंप्लीट एंगल बनता कितना है डिग्री में देखें तो 360 डिग्री. तो पाई बराबर कितना आ गया? 180 डिग्री. ठीक है, इसी से देखिए एक दूसरा फॉर्मूला भी, और ये भी लिख ले, इफ नॉट स्पेसिफाइड, मतलब अगर स्पेसिफाई नहीं है कि डिग्री है या रेडियन है, इफ नॉट स्पेसिफाइड देन एंगल इज टेकन इन. तो एंगल किस में लेते हैं? देन एंगल इज टेकन इन रेडियन, तो रेडियन में लिया जाता है एंगल. अगर स्पेसिफाई नहीं है तो हम एंगल रेडियन में लेंगे. मान लीजिए अगर कहीं लिखा है 10, एंगल बराबर 10, तो ठीक है, तो आपके क्लासेस में तो डिग्री लेनी है, लेकिन आगे जब देखेंगे तो सिस्टम, तो इसका मतलब 10 का मतलब 10 रेडियन. अगर नहीं लिखा है कुछ तो उसे रेडियन में एज्यूम किया जाता है. स्पेसिफाइड है, लिखा है तो जो लिखा है वो लेना है, नहीं लिखा है तो क्या लेना है? रेडियन. फिर से देखिए, आर लेंथ की आर्क कितना एंगल बनाती थी? 1 रेडियन. अगर आपसे बोले एल लेंथ की आर्क एंगल थीटा बना रही है, तो थीटा की और ये रेडियस आर है, तो एल आर थीटा में आप रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हो. देखो कैसे, सिंस आर लेंथ आर्क से जो एंगल बनता था सेंटर पे वो कितना होता था? 1 रेडियन. तो 1 लेंथ की आर्क से कितना एंगल बनेगा बताओ? 1 अपॉन आर रेडियन. तो एल लेंथ की आर्क से कितना बनेगा?
एल अपान आर रेडियन, तो ये थीटा बराबर क्या हुआ, यहाँ एंगल बन कितना रहा है थीटा, तो थीटा बराबर कितना आ गया एल बाई आर। और यहाँ ये ध्यान रखें ये किस में है, रेडियन में आ गया एंगल, डिग्री में नहीं है ये, रेडियन में। ठीक है, अगर मैं कहूं रिलेशन बताइए डिग्री, रिलेशन बिटवीन डिग्री ग्रेड एंड रेडियन, इनमें क्या रिलेशन होगा, तो राइट एंगल बराबर था 90 डिग्री, और राइट एंगल बराबर कितना था 100 ग्रेड, तो 90 डिग्री बराबर क्या होगा 100 ग्रेड, और 90 डिग्री बराबर रेडियन की बात करें तो पाई होता है 180 डिग्री, अभी पढ़ा ना हमने इससे जस्ट पिछले पेज पे, तो पाई बाई टू कितना होगा 180 बाई टू मीन्स 90 डिग्री, ये नोट करें या इससे आप अलग से देख सकते हो, पाई बराबर होगा 180 डिग्री, पाई रेडियन, या रेडियन का सिंबल बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं, नहीं बना है तो वो रेडियन ही है, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री है, और डिग्री और ग्रेड में देखेंगे तो 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड है। ऊपर दो डॉट और नीचे बीच में एक डॉट, ठीक है, और देयर फोर के लिए ऊपर एक दो नीचे, ये है देयर फोर, सिंस एंड देयर फोर, ओके सर। सर जो आपने पाई के ऊपर सी लगाया उसका मीनिंग क्या है, क्या तो पाई के ऊपर सी, सी का रेडियन, रेडियन रेडियन का सिंबल है ना ये, ओके सर, मैंने कहा सिंबल लिखा हो तो भी ठीक, नहीं लिखा तब भी ठीक, सुपर स्क्रिप्ट में सी लिखते हैं रेडियन में, डिग्री में ये लिखते हैं छोटा सा जीरो, ग्रेड में छोटा सा जी, ओके सर। नेक्स्ट, अब इस पे देखिए क्वेश्चंस करते हैं, लिखें लिखें ये फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 2π/15, ये छोटे सी का मतलब क्या है रेडियन इन डिग्री, इस एंगल को चेंज करके डिग्री में बताइए कितना आएगा, सर 24 24 डिग्री, ठीक है सही है, बहुत आसान है,
बनाने की कोशिश करें सभी लोग। सर हो गया 24। 24 आगे तो भैया क्या करना है इसके लिए? अभी देखा हमने 360 डिग्री अपॉन 50 पाई रेडियन बराबर कितना था 180 डिग्री। यस सर। अब हमें 2/15 पाई चाहिए, तो 2/15 इसमें मल्टीप्लाई किया तो 2/15 पाई रेडियन बराबर क्या होगा 2/15 × 180 ये बन गया डिग्री। 15 इसे कैंसिल हुआ तो 12 × 2 = 24 डिग्री ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। 1 एंगल अपर ट्राइंगल इज 2x/3 ग्रेड and that is 3x/2 degrees. And third is π x/75 radian. Find all angles in degrees. सभी एंगल्स की वैल्यूज कैलकुलेट करें और डिग्री में कैलकुलेट करें। तीनों अलग अलग सिस्टम में दिया है। आया बेटा जस्ट अ सेकंड।
सबको डिग्री में पहले चेंज कर लीजिए और फिर तीनों एंगल का सम क्या है 180 डिग्री, उससे x आ जाएगा, x की वैल्यू रखेंगे तो, और फिर तीनों एंगल्स आ जाएंगे आपके पास। So, मैं बताऊं आंसर? आंसर बताऊं? अब बताओ बेटा। तो पहले वाला एंगल 14.4 डिग्रीज। हाँ, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया बेटा। फर्स्ट एंगल कितना दिया था बताओ? 2x/3 ग्रेड दिया। दिया? इसको पहले रेडियन में डिग्री में चेंज करो तो 100 ग्रेड बराबर कितना होता है 90 डिग्री। तो 1 ग्रेड बराबर कितना हुआ 90/100। ठीक है, एक ये कैंसिल कर दो तो 9/10 डिग्री। तो 2x/3 कितना हुआ तो 2x/3 × 9/10 यही हुआ ना। ये इससे कैंसिल करो तो आगे 3x/5 डिग्री। तो पहला एंगल हमने डिग्री में चेंज कर लिया, वो आ रहा है 3x/5 डिग्री में। कोई दिक्कत है बोलिए। सेकंड तो था ही डिग्री में, सेकंड एंगल क्या है? सेकंड एंगल है 3x/2 डिग्री। थर्ड एंगल रेडियन में दिया हुआ है। थर्ड एंगल लिखा है π/x/75 रेडियन। अब देखिए पाई रेडियन बराबर क्या होता है 180 डिग्री। तो एक रेडियन बराबर कितना हो गया 180/π डिग्री। तो π/x/75 क्या होगा तो π/x/75 × 180/π ये बन गया डिग्री। ये पाई पाई कैंसिल, ये कैंसिल करो आप इसको 75 को इससे कैंसिल होगा 15 से 12x/5 डिग्री। ऐसा आ गया, तीनों एंगल आ गए आप डिग्री में। तीनों का सम आप कैलकुलेट करें तो देयरफॉर 3x/5 प्लस 3x/2 प्लस 12x/5 डिग्रीज बराबर हो गया 180 डिग्री। ये आएगा देखिए 3x/5 ये डिग्री में, ये डिग्री में और ये भी डिग्री में। तो तीनों एंगल का सम कितना होता है ट्राइंगल के 180 डिग्री होता है। इसको सॉल्व करिए, इससे एक्स आएगा तो 6 डिग्रीज आ रहे हैं ख्याल से। इसको सॉल्व करके देखते हैं 6 डिग्रीज तो 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। ये कितना हो जाएगा 6x, यहाँ कितना आएगा 5 × 15x और ये कितना होगा 24x बराबर 1800। ये आ गया 45x बराबर 1800। तो x बराबर 60 आ गया, x 40 डिग्री आ गया। अब ये 40 में रखेंगे तो फर्स्ट एंगल क्या है 3x/5 फर्स्ट आ गया 24 डिग्री। सेकंड एंगल 24 डिग्री सो सेकंड 60 डिग्रीज। सेकंड आ गया 60 डिग्री एंड थर्ड सो 96 डिग्रीज। 96 डिग्री सही है, ये आंसर है। देखिए मिलाइए आंसर और बताइए कोई डाउट है तो नोट करिए।
24, 60 and 96 degrees respectively. आ गया, ठीक है ना? कोई दिक्कत है समझने में? सर नहीं, मैंने एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी में गलती कर दी थी. जो पढ़ रहे हैं क्लियर है ना? तब नहीं पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं. देखो ध्यान से, अड़नाओ, क्लियर हो रहे हैं सभी? यस सर. और किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइए. नेक्स्ट लिखें. क्वेश्चन नंबर 3. द एंगल्स इन वन रेगुलर पॉलीगन इज टू दैट in another as 3:2 angle. एक regular polygon और दूसरे regular polygon में angles का जो ratio है वो क्या है? 3:2 है. Also the number of sides in the first is twice that in the second. How many sides? How many sides do the polygons have? देखिए इसका तो कैसे करते हैं. एक पॉलीगन में एन साइड्स हो तो नंबर ऑफ सम ऑफ एंगल्स क्या होता है बताओ? एन माइनस टू ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री. ये होता है. और सभी रेगुलर पॉलीगन है तो सभी एंगल्स इक्वल होंगे. मतलब एन एक एंगल कितना होगा? एन माइनस टू इंटू 180 अपॉन एन होगा. मान लो पहले वाले में एक में n है साइड्स और दूसरे में 2n साइड्स हैं, तो इसका एंगल कितना होगा? n माइनस टू इंटू 180 अपॉन n. ऐसे ही दूसरे वाले का जिसमें 2n साइड्स हैं उसका एंगल कितना होगा? 2n माइनस टू इंटू 180 सभी एंगल्स का सम, और एक एंगल कितना हुआ? अपॉन 2n. अब कहा गया ये जो एंगल है इस एंगल का
और इसके साथ रेशियो क्या है 3:2 means this is equal to 3/2 times n minus 2 into 180 degree upon n. इसको सॉल्व करो किसकी वैल्यू आएगी n की आ जाएगी वैल्यू वो आंसर आ जाएगा बताइए समझ रहे हैं तो ये 2 मैंने ऐसे किया है सर 3/2 सर 180 कैंसिल यहां से कितना आ गया 2n minus 2 is equal to 3n minus 6 तो n की वैल्यू आ गई 4 तो एक पॉलीगन में 4 साइड्स होंगी तो दूसरे में कितनी होंगी 8 हां अब बताओ मैंने ऐसे किया 3/2 is equal to 2n minus 2 into 180/2n whole upon n minus 2 180 multiplied by 180 upon n क्या कह रहे हो आप मैं लिख लेता हूं यहां फिर से बताओ 3/2 is equals to 2n minus 2 bracket में multiplied by 180 upon 2n upon 2 whole upon n minus 2 multiplied by 180 degrees upon n वही है बेटा देखो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके बस लिखा है देखो यही तो लिखा है इसे यहां लिखोगे तुम हां कैलकुलेशन गड़बड़ कर रहे हो देखो यहां 180 कैंसिल n कैंसिल ये 2 कैंसिल वही तो है देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो सेम ओके देखिए और किसी कोई डाउट है इसमें